हेलो फैमिली, तो Hello. कैसे हैं आप सब? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो बस अभी हम फटाफट से आज सैटरडे स्पेशल लाइव लेकर आ चुके हैं एंड आप सभी के जुड़ने का हम वेट कर रहे हैं। तो बस आप फटाफट से जुड़ते चले जाइए, जिससे कि आज जो हमारा मस्त मस्त सा मौसम हो रहा है उसके हम मज़े लें एंड आपके साथ हम बहुत ही अतरंगी चटपटी सी रेसिपी बनाएं। तो बस आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले जाइए। एंड यहाँ पे तो आज हमारे जयपुर में सुबह से ही बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सुबह से अच्छी बारिश आ रही है, तो बारिश के मौसम तो वैसे रोजा नहीं हो रहा है। कितना चटपटा बनाए कितना खाए, तो हम फ्राई वाला ज़्यादा नहीं बनाएंगे, नॉन फ्राई वाली चीज बनाएंगे। तो वही है, आप बताइए आपके शहर में बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी जयपुर में तो आजकल आए दिन ही बारिश सी आ रही है। और आपके क्या बन रहा है लंच में, तो वो भी आप हमें बताइए, आप क्या बना रहे हो। बाकी बस आप फटाफट से जुड़ते चले जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे जाइए। तब तक मैं आपके कमेंट्स वगैरह रीड कर लेती हूँ। हाय विनी जी, हाय रचना जी, हाय किरत जी, आप सभी को हाय। एवरीवन जो भी सारे ज्वाइन हुए हैं उन सभी को अ वेरी बिग हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। विजयलक्ष्मी जी नमस्कार। ओके तो बस आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए, जिससे कि आज सी हमारी बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी होने वाली है, थोड़ा सा अलग हट के, जो हमेशा मम्मी नहीं बनाती है। मम्मी भी आज आई थिंक पहली बार ही ट्राई कर रही है ओवर द लाइफ। तो इसलिए अगर हमसे कुछ गड़बड़ वगैरह भी हो जाए तो भी वो आप उसमें देख सकते हैं कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसा रहता है। बाकी उसका जो भी रहेगा फीडबैक वो हम आपको एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताएंगे। हेलो पुष्पा जी, हेलो रजनी जी, हेलो चंद्रिका जी, हेलो बबीता जी, हाय पूजा जी, नमस्ते आरती जी। तो बस अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं, या तो हमारा वीडियो या फिर अभी हमको और वेट करना है, ये हमें आप ही बताइए। हेलो वर्षा जी, बाकी चलिए अब हम थोड़ा सा रिवील कर ही देते हैं। हेलो पूनम जी, कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, तो मम्मी फटाफट से बताइए। तो हम पिज्जा तो बनाते ही हैं, आज हम और बाटी भी बनाते हैं, लेकिन आलू भी बनाते हैं, कभी मिस्सी बनाते हैं, कभी सादा बनाते हैं, कभी मावे की, कभी मसाले की, तो लेकिन आज हम बनाएंगे पिज्जा बाटी। बिल्कुल, तो आज हम थोड़ा सा इसको फ्यूजन करने वाले हैं। लोग अलग से पिज्ज़ा खाते हैं, लोग अलग से बाटी को खाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाए। तो बस आज हम आपको पिज्जा बाटी बना के दिखाएंगे एंड हम इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं अभी आपके एक बार कमेंट्स रीड कर ले रही हूँ। हेलो ममता जी, हेलो पूनम डिडवानिया जी, पूनम डिडवानिया जी का मैसेज आया था कि मैं जयपुर आ रही हूँ, तो आप जरूर हमसे मिलिए, आपका स्वागत है हमारे घर पे। हेलो सुमन जी, हाय दुष्रुत जी, हाय सरिता जी। तो चलिए फिर फटाफट से अब हम शुरू करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो हम बाटी का आटा लगाएंगे, तो जो आप पिज्जा का आटा लगाते हो बस वैसे ही लगाना है। तो मैंने ये लिया 1.5 कप गेहूं का आटा, आप चाहो तो इसे मैदा से भी बना सकते हो और गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। ये चपाती वाला ही आटा है जिसे हम चपाती तैयार करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बाटी के सभी सामग्री। बाकी अगर आप भी हमारे साथ इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपनी किचन में जाइए फटाफट से एंड फोन को रखिए एक तरफ और बनाना शुरू करिए हमारे साथ। सामान घर पे अवेलेबल है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, 1/4 चम्मच नमक डाल दें, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दें। आधी चम्मच चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो और इस तरह से भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, तो मैं पिंच से बता देती हूँ, 1 पिंच और 2 पिंच हमने बेकिंग सोडा डाला है। जितने भी व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि हम दाल बाटी नहीं बनाने जा रहे हैं, बट ऐसी कोई एक यूनिक सी हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो
जो हम थोड़ा सा फ्यूजन ट्राई कर रहे हैं, दैट इज पिज्जा बाटी। तो बस आप इस वीडियो के साथ अब कनेक्टेड रहिए, एंड वीडियो अब हम जब आपको रेसिपी बताएंगे तो माइट भी मैं आपके कमेंट्स अभी एक बार के लिए रीड नहीं कर पाऊँ, आपका नाम मैं आपको वीडियो में नहीं बोल पाऊँ, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोलती हूँ, बट जैसे ही मुझे बीच में टाइम मिलेगा तब मैं आपके कमेंट्स को पिक करती हुई आपके नाम ज़रूर बोलूँगी। अब इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, तो 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया, ये इस तरह से आता है। अब इसे हमें दही से लगाना है आटा। तो इसके लिए आपने कैसा वाला दही लिया, लाइक खट्टा है? नहीं, मेरा ताजा है, आप खट्टा वाला ले सकते हो, लेकिन मैंने ताजा ही लिया है। मैंने बस पानी नहीं डाला इस दही में, आधा दही आधा पानी भी कर सकते हो। अगर दही नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें नींबू का रस डाल दे और पानी से आटा लगा ले, काफी लोग दही नहीं खाते। जय जिनेन्द्र कंचन जी। अभी अपने इसमें घी का मोहन नहीं डाला क्योंकि हमने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल दिया था। हाय नीलम जी, हाय अनुराधा जी, हाय मुस्कान जी, कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ बारिश आ रही है आप हमें बताइए कमेंट्स करके। बाकी आज जयपुर में तो सुबह से ही बारिश हो रही है, एंड काफी सारी जगह सुनने में आया है कि थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी भर चुका है, टीवी पे भी काफी न्यूज आ रही है। जयपुर में तो काफी पानी भर गया, बाहर निकलने का मौसम नहीं है आज। बाकी हमारे एरिया में इतना वाटर लॉग नहीं होता है तो हमें इतना दूर का आइडिया इतना होता नहीं है, हम बाकी हम भी न्यूज वगैरह से ही देख के आइडेंटिफाई करते हैं। हाय हेमलता जी, हाय नेहा जी। तो किस किस ने पहले बाटी पिज्जा बनाया है तो मुझे जरूर बताइए। बाकी हमने जो रेसिपी वैसे पिक करी है वो इंदौर की हमने देखी थी, इंदौर में कोई एक पर्सन है जो इस तरह से बना के सेल आउट करते हैं, तो बताइए जितने भी इंदौर वासी है क्या उन्होंने कभी इस फ्यूजन को ट्राई किया है, एंड किस तरह का लगता है, आप भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। बाकी आज हम ओवर द लाइफ फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी गुंजन के साथ आए हैं, तो गुंजन के साथ तो ऐसी ही चीजें मिलेगी आपको। हेलो अलका जी, हाय शुभा जी। तो आज हम बना रहे हैं पिज्जा बाटी। हाय शगुफ्ता जी, हाय रेणु जी। इसमें हम लगाएंगे घी, तेल कुछ भी लगा सकते हो, तो एक चम्मच करीबन हम तेल ले लेंगे और इसे मसल लेंगे क्योंकि हमने अंदर नहीं डाला, और इसे अच्छी तरह से आटा लगा लेंगे इसका। हेलो संगीता जी, हेलो सुनीता जी, हाय सुमन जी, हाय रेखा जी। अब आप इसे बाटी वाले ओवन में भी बना सकते हो, कॉटेज में भी बना सकते हो, और कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन सब में लुकिंग का फर्क आएगा। हम बनाएंगे बाटी वाले ओवन में, तो मैं बाटी वाले ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ। बाकी उसके अलावा जैसे आउट ऑफ राजस्थान कई लोगों के पास माइट भी ये बाटी वाला ओवन ना हो, तो मैंने कहा कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो आप कढ़ाई वगैरह में बना सकते हैं। बाटी जो एक्चुअल बाटी होती है वो इसी ओवन में ही बनती है, एंड जो उसका एक्चुअल जो उसका ऊपर से टेक्सचर आता है, जो लुक आता है, वो इसी बाटी वाले ओवन से आता है, फिर और दूसरा लुक आएगा अगर हम इसमें नहीं बनाते हैं वाला। बाकी काफी सारे लोग माइक्रोवेव में भी बनाते हैं, ओटीजी में भी बनाते हैं, बट उसमें जो एक उसका अंदर से कंसिस्टेंसी रहती है, जो उसकी टफनेस रहती है वो थोड़ी सी आएगी, थोड़ी हार्ड रहती है, एंड इसमें थोड़ी सी वो सॉफ्ट वगैरह रहती है, तो इसलिए हम हमेशा ये बाटी वाला ओवन ही प्रेफर करते हैं कुछ भी बनाने के लिए। हाय निशा जी, हाय पूजा जी, हाय विभा जी। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे, तो बस अब हम इसको आगे और बताएंगे। हाय पूजा जी, पूजा जी पूछ रही कि हिंगा पानी कैसे बनाते हैं, तो जरूर इसका वीडियो हमने आपके साथ वैसे तो ऑलरेडी शेयर कर रखा है। ले लीजिए मोटी वाली हींग, 10 ग्राम हींग में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए उसे, और बस चम्मच से हिला लो और इसे थोड़ी देर छोड़ दो, तो पूरा हींग घुल जाएगा, और गुलने के बाद मैंने इस तरह से बना के रेडी
कर रखा है, मैं इस तरह से बना के रखती हूँ। ये इनका पानी है मेरा, और इसको हम हमेशा फ्रीज में ही रखते हैं स्टोर करके। हाय रूपल जी, हाय संध्या जी, ये जो अवन है ये अप्रोक्सीमेट क्या प्राइस का रहता है? वो 400-500 रुपए का आ जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। बाकी आपको ये, वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोकल स्टोर से जाके ले तो ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन ये इतना नहीं मिल पाता है एक्चुअल इसकी जो वैरायटी होती है। तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, बाकी आप अभी ताजा भी ले, ताजा भी ले सकते हैं। एक मैंने प्याज लिया है, अगर प्याज नहीं खाना चाहते हो तो फिर इसमें और कोई चीज डाल लीजिए, आप जो भी आप पिज्जा में डालते हो वो डाल लीजिए। एक शिमला मिर्च, तो आपने पहले बना के खाया हो तो मुझे बताइए कि और इसमें क्या ऐड करना है। मैं इसमें हरा धनिया भी डाल रही हूँ, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये मोजरेला चीज। आप मोजरेला चीज की जगह प्रोसेस चीज, क्यूब चीज और पनीर भी डाल सकते हो, लेकिन हम बना रहे हैं पिज्जा पार्टी, तो पिज्जा का फ्यूजन बिना चीज के नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम उसको वैसे कर रहे हैं। और ये मैंने पिज्जा सॉस लिया है, तो मैंने पिज्जा सॉस कैसे बनाया, मैंने टोमेटो केचप लिया है। घर में टोमेटो केचप तो हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन पिज्जा सॉस अवेलेबल नहीं रहता, तो मैंने टोमेटो केचप लिया और उसमें मैंने चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और काली मिर्च डाल दिया, तो ये हमारा पिज्जा सॉस बनके रेडी हो गया। और अब इसे हम मिक्स, बाकी अगर आगे पास पिज्जा सॉस अवेलेबल हो तो आप पहली प्रायोरिटी आप उसी को दीजिए। इसे मिक्स कर लेंगे, अब आप इसमें कुछ भी चीज डालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो थोड़ा केचप बढ़ा दीजिए। जो आपने इसमें स्वीट कॉर्न्स लिए हैं वो डायरेक्ट लिए हैं, रॉ लिए हैं या फिर आपने बॉईल लिए हैं? रॉ लिए मैंने, क्योंकि अभी पकाएंगे ना बाटी तब पक जाएंगे। बस ये मिक्स हो गए, अब हम बाटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप इस मिक्सचर में आप जो आप आपके इंग्रेडिएंट्स आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं बनाऊंगी छोटी छोटी बाटी, आप चाहो तो एक बड़ी भी बना सकते हो। घी लगा लेंगे या तेल लगा लो आप, ताकि चिपके नहीं। अब इसे हमें पूरी के साइज का बेलना है। प्री हीट हो गया है, मैं ढक्कन हटा देती हूँ, डायरेक्टली हम बना के इसमें डाल देंगे। तो किस किस ने बना के पहले देखा है मुझे कमेंट्स करके बताइए। हेलो प्रियंका जी, हेलो संगीता जी। अब आप बड़ी साइज की बनाओ तो बड़ा लोया ले लीजिए, और छोटी बनाओ तो छोटा लोया ले लीजिए। अब इस पर हम लगा लेंगे थोड़ा सा पिज्जा सॉस, फिलिंग डालेंगे इस पे, क्योंकि हम छोटी बना रहे हैं तो ज्यादा नहीं डलेगी इसमें। बाकी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये रेसिपी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और वो हमारे इस लाइफ में हमारे साथ जुड़ सके एंड इस अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी का आनंद ले सके। इस तरह से इसे हम पैक कर लेंगे और इसे हम दबा देंगे, और इस तरह से हम सभी बनाएंगे। गैस मैंने अभी सिम कर रखी है, तो बस इस तरह से अब हम सारी बाटी बना के तैयार कर लेंगे। जब तक मम्मी इसकी आगे की बाटियां बना रही है तब तक मैं आपके कमेंट्स रीड कर लेती हूँ। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स करके अभी पूछ सकते हो। बिल्कुल, आप इस टाइम पे अगर आपका कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर्स करेंगे। हाय शालू जी, हाय अनुराधा जी, हाय अलका जी। अनीता जी पूछ रही कि हींगा पानी किसमें यूज करते हो, तो आप हींगा पानी जैसे हम नॉर्मली एक सूखी हींग यूज करते हैं सब्जियां बनाते वक्त, वैसे ही अगर आप हींगा पानी रख लेंगे तो वही सेम काम वो हींगा पानी भी करता है। आप चाहें तो सूखी हींग भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो हींगा पानी भी आप सेम तरह से यूज कर सकते हैं। हींग आती है ना वो बढ़िया आती है टेस्ट पे, जो हम सूखी हींग राम बारीक लेते हैं वो उस पे टेस्ट उतना नहीं आता, इसलिए अगर आप चाहो तो मोटी हींग लाओ और इस तरह से पानी मिला लो, दाल में, कढ़ी में, गट्टे में, सूखी सब्जी में, सब में डाल दियो। मैं तो
आलू के पराठे और इनमें हम सूखी डालते हैं, क्योंकि आलू का पराठा उसमें पानी वाली नहीं चलेगी। रेनू जी बोल रही है कि आपको देखकर फर्स्ट टाइम गैस तंदूर यूज करूंगी, तो बिल्कुल आप यूज करिएगा एंड बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा, क्योंकि हम तो बेसिकली ऑथेंटिक प्रेफरेबल हमारा यही रहता है, क्योंकि इसमें ना कोई नुकसान है ना कुछ है, एकदम प्रॉपर गैस वाला ही इसमें सब कुछ रहता है। हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिक वाली हीट होती है हम उसको कम प्रेफर करते हैं, तो जितने लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है मैं उन्हें बता दूं कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज़ अ फ्यूजन रेसिपी कॉल्ड पिज़्ज़ा बाटी। तो हमने अभी तक फिलिंग तैयार कर ली है, जो कि हम पिज़्ज़ा की फिलिंग तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे, एंड बाटी का आटा लगा लिया है, एंड अभी जो मम्मी बना रही है वो बाटियाँ ही बना रही है उसकी। आप चाहो तो इससे पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, इसी डो से आप पिज़्ज़ा बेस बना लीजिए और बाकी फिलिंग इसी तरह से डाल लीजिए। एंड हमने जो फिलिंग में यूज़ किया है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, तो हमने इसमें डाला है स्वीट कॉर्न, अनियन, धनिया एंड पिज़्ज़ा सॉस, एंड उसके अलावा मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ आप बढ़ा सकते हो, जितनी अच्छी बढ़ाओगे उतना ही मज़ा आएगा। बस इस तरह से हम छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि फटाफट सीख जाए और फिर हम आपको बता सकें। हाय राजू जी, हाय गीता जी, हाय सरिता जी। सरिता जी आई होप मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी हो कि हमने इसमें क्या क्या मिक्स किया है। हेलो मुस्कान जी, हेलो ममता जी। आप चाहो तो इसमें आलू का मसाला भी डाल सकते। बाकी बाटी आप काफ़ी तरह के फ्यूजन के उससे बना सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, एंड आई होप कि वो अच्छी ही लगती होगी डेफिनेटली। रेणु जी बोल रही है कि वो बाटी कुकर में बनाते हैं, तो बिल्कुल कुकर में या फिर अवन में आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। कुकर में आप नीचे उसको सॉल्ट रख दीजिए एंड सॉल्ट के ऊपर वैसे रख के जैसे आप कुकर में बनाते हो वैसे बना। प्रतिमा जी तो आज हम बना रहे हैं पिज्जा बाटी, हमने तो कभी नहीं बनाई कुकर में, कुकर में वो सीटी हटा के या फिर वैसे बनती है। हेलो शम्मा जी, हेलो मंजू जी। बिल्कुल आरती जी, आप इसमें जो चीज आप डालना चाहे आप वो चीज आप उसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, प्रोसेस चीज, मोज़रेला चीज, स्प्रेड चीज, जो आपके पास अभी घर में है, ये जो आपको अच्छी लगती हो आप इससे पिज्जा बना सकते हो। बस इसी डो से इसको बेलो और जो फिलिंग है वो उसमें लगा दो। इसको मैं रख देती हूँ, इससे हम पिज्जा तैयार करेंगे। बिल्कुल जयसवाल प्रीता जी, योर पॉइंट इज नोटेड, डेफिनेटली विल कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो। उन्होंने एक सजेशन दिया है कि उनको फुली फुली इडली चाहिए, तो बिल्कुल हम ट्राई करके आपको बताएंगे। हेलो इंदु जी, हेलो रीता जी। तो बस अभी हमने इस को सारी बाटियां रखने के बाद इसको फुल आंच कर दिया है, अभी 15 मिनट में सिक जाएगी बस फटाफट, एंड बस हम इसको बीच में चेक करते हुए हम इसको बनाएंगे। तब तक आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हो, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, आप हमसे वीडियो में क्या चाहते हैं, वो आप हमें सब कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं। एंड आपको हमारे वीडियोस कब कब प्रायोरिटी आप हमको बता सकते हैं कि हम हमारे वीडियोस यूजुअली कौन से टाइमिंग पे लेकर आएं, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा वॉच कर सकें, क्योंकि इन दिनों शायद आपके पास आई गेस नोटिफिकेशंस भी नहीं पहुंच रहे हैं हमारे वीडियोस के, एंड काफ़ी लोगों की बहुत सारी क्वेरी रहती है कि आजकल हमारे वीडियोस के उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उसको पीछे से टेक्निकल ग्लिच जो भी है वो देखेंगे।
बिल्कुल शफुक्ता जी, हमने आपका मैसेज देख लिया है एंड हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो सभी हमारे व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। बाकी अभी थोड़ी देर में ही आफ्टरनून होने वाली है। हेलो चित्रा जी, हेलो अलका जी। डो हमने बेसिकली जो इसका बनाया है वो बाटी वाला डो ही बनाया है, पिज्जा वाला डो ही बनाया है। एंड उसमें आपने एक और बार एक बता दीजिए, थोड़ा बेकिंग पाउडर, मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया था, उसमें 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा डाला, 1/4 चम्मच डाला मैंने बेकिंग पाउडर, और आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला था, और आधी चम्मच मैंने चीनी डाली है, और लगाया मैंने दही से इस आटा, तो बिल्कुल पिज्जा वाला आटा ही लगाया मैंने। तो अभी देखिए हम इसको फुल आंच पे चला रहे हैं एंड बीच बीच में हम इसको चेक करते हुए हम इसको पलट रहे हैं। हमने बनाई छोटी बाटी तो फटाफट सीख जाएगी, अगर मोटी बनाते तो थोड़ा समय लगता। तो गरम गरम बारिश के मौसम में कितना तला भुना खाओगे आप, तो बिना तला भुना खाइए, ये बनाइए काफी बढ़िया लगेगा, और आप इन्हें बच्चों को टिफिन में भी डाल के दे सकते हो, बच्चे आराम से एंजॉय करेंगे। बाकी अगर ऐसे बाहर बारिश हो रही हो तो हमको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग खाने का मन हो ही जाता है। लोग यूजुअली तला भुना खाने की प्रेफरेंस रखते हैं, बट हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग हटके बनाया जाए एंड उसको आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, इसलिए हम स्पॉन्टेनियस लाइफ के साथ हमने रेसिपी सोची एंड आपके साथ हम लाइव आ गए। फिर हेलो मधु जी, हेलो रीता जी, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है वो भी आप हमें बताइए। बिल्कुल मुस्कान जी, आप ये जो बाटी वाला ओवन देख रहे हैं इसकी हर सिटी में हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्राइसेस के साथ अवेलेबल है, बट ये तो आप जाने के बाद जब आप उसका क्वालिटी चेक करेंगे उस अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड कर पाएंगे कि इसका क्या वेराइटी रहता है, किस कंपनी का एंड ऑल दैट। ये कोई कंपनी का नहीं आता, नॉर्मल आता है, स्टील का भी आता है, एल्युमिनियम का भी आता है, लेकिन एल्युमिनियम का एलो ज्यादा हो गया। बाकी ये बाटी जनरली 10-15 मिनट्स में बन जाती है। हेलो सुशील मामा, सुशील मामा ने भी ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ। तो आज तो लाल शॉर्ट में अनीता जैन फैशन 60% ऑफ दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचिए, 3 बजे लाइव देते हैं 3 से 4, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, वहां पे आपको साड़ियां सही रेट में मिलेंगी। हेलो सलोनी जी, आप चाहो तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हो तेल में, अगर इस तरह से नहीं सेकना चाहते तो आप कोफ्ते की जैसे फ्राई कर लो। हेलो प्रियंका जी, रीता जी पूछ रहे कि किसके साथ खाता है, तो आप इसको चटनी सॉस किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। पिज्जा किससे खाते हैं, बस उसी से खा लीजिए, वैसे तो आपने सारी चीज डाल दी है, आप बस ऐसे ही खाइए। हेलो परमेश्वर जी, बस इसे हर 2-3 मिनट में हमें चेक करना है। अब जैसे बाटी का लुक तो इस तरह से आएगा, और अगर हम ओटीजी में बनाते हैं तो इस तरह से लुक नहीं आएगा, वो बिल्कुल प्लेन आएगा। मुस्कान जी पूछ रहे हैं कि मामी का चैनल कैसा चल रहा है, तो ये जानने के लिए आप डेफिनेटली उनके चैनल को आप वॉच करिए, आपको खुद को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो आजकल कितना रॉक कर रहे हैं। एंड बिल्कुल आप उनकी अगर वैरायटीज को भी आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप उनके रेगुलर कस्टमर जरूर बन जाएंगे। हेलो अनीता जी, जय जिनेन्द्र, हेलो चांदनी जी, हेलो सीमा पारिक जी, हेलो साधिका जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके, एंड आप हमें कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो तो बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं, एंड कोई अगर हमारे इस लाइव सेशन के साथ जुड़ना चाहता है तो हमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
तो बिल्कुल हम आपको कनेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप बताइए कि अगर आपको किसी को हमसे कोई बात करनी है। अगर हमारे साथ आप वीडियो बनाना चाहते हो, जयपुर सिटी से देख रहे हो और हमारे साथ वीडियो शूट करना चाहते हैं, अभी रक्षाबंधन आ रही है, उसमें स्पेशल कोई भी स्वीट बनाना चाहते हो, तो हम लिंक पे हमें आप नंबर भेजिए, ताकि हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बाकी गाइज आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। आई गेस ये लाइव सेशन बहुत लोगों के पास अभी इसका नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं है। बाकी सब बनाना, ऐसे बनाने के बाद मुझे जरूर बताना। पीहू जी, परमेश्वर जी वो बोल रही है कि आपने मम्मी जैसी सेम ड्रेस वेयर करी है। अच्छा पीहू बेटा कैसे हो? हेलो बीनू जी। गाइस मैं आप सभी के वीडियो जो कमेंट्स हैं उन सबको मैं रीड कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि वो उसको बोल नहीं रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं उनको रीड तो कर ही रही हूँ। हेलो चांदनी जी, हेलो शशि जी। तो देखिए इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है बाटियों का। अगर हम ज़्यादा चीज़ डाल देंगे तो बाहर निकलना चालू हो जाएगी, तो बस ठीक ठाक ही चीज़ डालिए आप, बस ये सिकने वाली है हमारी बाटिया। बाकी आपके उधर का मौसम कैसा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए हमारी बाटी 3 सिक गई है, इनको हम बाद में सेक लेंगे, ठीक है। गैस बंद कर देते हैं अभी हम के, और इन्हें हम घी में, ये मैंने घी लिया है, घी लगाएंगे इसके ऊपर, इसको हमें घी के अंदर ही डालना है इस तरह से। चाहो तो आप इसे इस तरह से तोड़ लीजिए, लेकिन मैं नहीं तोड़ रही क्योंकि अंदर हमारे इसमें चीज़ सभी चीज़ डली हुई, देखिए बाटी हमारी बिल्कुल, देखिए हमारी फ्यूजन बाटी बनके तैयार हो गई। बाकी मैं अगर तोड़ने की बात करूँ, अभी तोड़ेंगे, गर्म अभी थोड़ी सी गर्म है, इसलिए हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम आपको अंदर की इसकी फिलिंग किस तरह से निकल के आई है वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी इंदौर में ऐसे नहीं बनाते, वो बनाएंगे बिल्कुल बड़ी रोटी जैसे, पिज्जा जैसे बनाएंगे, पराठा स्टाइल जैसे, फिर उसे इस पर सेक देंगे। अगर वो चाहो तो मैं वो भी बना सकती हूँ। हेलो पुष्पा जी, हेलो निशु जी। तो ये देखिए अब आप इसमें, आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं आप इसमें बूरा भी ले सकते हैं। बाकी आप एक काम करिए, आप इसको पिज्जा कटर या चाकू से एक बार काट लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे अंदर की जो फिलिंग है वो किस तरह से उसका रूप आया है वो भी हमें पता चल जाएगा फिर। हेलो सलोनी जी, इस टाइम पे आई गेस पूरे इंडिया में ही बारिश हो रही है एंड हर जगह का ही मौसम बिल्कुल सेम सा ही है, लेकिन हमने ज़्यादा चीज़ नहीं डाली इसलिए इतना नहीं आएगा, चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। वाह मस्त वाटी है ये, देखिए अभी थोड़ी सी गरम, गरम गरम ऐसे ही खाइए, किसी भी चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं है, ना दाल की, चाहो तो आप इसके ऊपर केचप लगा सकते हो। और एक काम करिए, हमने ये रेसिपी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, इसलिए आप इसका एक थोड़ा सा बाइट लेके आप एक बार ट्राई भी करिए कि जो भी हमने मसाले वगैरह इसमें डाले हैं वो परफेक्ट रहे हैं। टेस्ट कर ले और मसाले में अगर कोई कमी लग रही है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ भी। तो गुने तो मेरे को एक लगी है। हेलो कृष्ण जी, हेलो मोहिनी जी, आप अगर ये चीज़ बनाओगे ना तो गरम गरम गए समोसे कचौड़ी सब भूल जाओगे, कोफ्ते ये बनाओगे फटाफट आपका खाने का भी काम हो गया, इसमें किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है और ये सब चीज़ घर में अवेलेबल रहती है। जो भी चीज़ आपके पास है वो चीज़ डालो, जो नहीं है उसे हटा दो। बाकी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की फिलिंग कितनी प्रॉपर आई है। वो तो ज़्यादा चीज़ डालोगे तब इसमें, देखिए हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाली, तो बस हम मम्मा इसको फटाफट से ट्राई करके बताएगी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा रहा है। बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा
मतलब पता नहीं चल रहा है कि हमने ये पिज्जा पार्टी बनाई है, एकदम प्रॉपर पिज्जा लग रहा है, बिल्कुल पिज्जा लग रहा है, मजा आ गया। तो जरूर आप आज शाम को ही बनाइए और हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। बिल्कुल, तो ये तो आज हमने जो रेसिपी बनाई है आप इसको जरूर ट्राई करिएगा एंड उसके बाद हमें बताइएगा कि ये कैसी रही आपके लिए रेसिपी एंड आपको ये बनाने के बाद कैसी लगी एंड आप इसको एज अ पार्टी एपेटाइजर भी आप इसको यूज कर सकते हैं एंड आने वाले लोगों को, रिलेटिव्स को, हर किसी को ये पसंद डेफिनेटली आएगी। एंड बच्चे अगर आपके ज़्यादा सब्जियां वगैरह अगर खाना पसंद नहीं करता तो उनको आप इस तरह से बाटी में डाल के आप जैसे नॉर्मली मम्मियां जो करती है वैसे भी आप इनको कर सकते हैं, कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते। बाकी मैं सोच रही हूँ कि अभी हमको ज़्यादा टाइम इस लाइफ के साथ नहीं हुआ है तो हम एक रेसिपी और कंटिन्यू कर लेते हैं और एक पार्टी एपेटाइजर हम आपको और बता देते हैं। तो एक मैं आपके लिए एक और न्यू फ्यूजन रेसिपी का अभी आपको इमीडिएट ही मैं आपको कर देती हूँ एंड हम अब बनाने जा रहे हैं खीरे से कुछ स्पेशल नाउ। तो ये है खीरा, तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, टमाटर कटे हुए हैं मेरे पास और बट करनी पड़ेगी मुझे। तो बिल्कुल अभी ये मेरे अचानक से दिमाग में आइडिया आया है तो फिर इसलिए हम इसकी इमीडिएट ही तैयारी करते हैं एंड जो हमारे साथ वीडियो में जुड़ना चाहते हैं आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए एंड मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगी एंड देन आप हमारे साथ वीडियो में जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता है ऐड करने का, तो आप अगर हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ही मैं आपको उसमें ऐड कर पाऊंगी। एंड अभी हम बनाने जा रहे हैं कुछ खीरे से कुछ एक यूनिक सी वैरायटी जो कि आप इसको एज अ सैलड भी खा सकते हैं एंड आप जब स्टार्टिंग में जब आपके रिलेटिव्स वगैरह या गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में आप परोस भी सकते हैं। बाकी फिलिंग तो आप इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं बट मेजॉरिटी आप इसमें फिलिंग वही यूज़ करिए जो आप कच्ची खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप इसको फ्राई नहीं कर सकते हैं इसलिए। हेलो भावना जी, हेलो नेहा जी, हेलो प्रभा जी, जय जितेंद्र गोल्डी जी, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए तभी मैं आपको ज्वाइन कर पाऊंगी। अगर आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको इजी बेसिस पे वहाँ से कनेक्ट कर लूँगी, तो आप प्लीज़ अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें रिक्वेस्ट भेजिए। बाकी अभी जब तक मम्मी इसकी थोड़ी बहुत प्रेपरेशंस कर रही है प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए एंड अभी हमने बनाए हैं पिज़्ज़ा बाटी जिसको मम्मी ने टेस्ट करके भी आपको बताया है जो कि मम्मी को तो काफ़ी पसंद आई है। अभी हालांकि ये हम और बाद में और बनाएंगे आफ्टर द लाइव सेशन बनाएंगे, मोटी जी में भी बनाएंगे। हेलो विजय जी, बिल्कुल निशु जी, अब हम बना रहे हैं कुकुम्बर बोट, ये भी वैसे हमने कभी ट्राई नहीं करी है बट ये मैं इंस्टा रील्स पे बहुत देखती हूँ तो मैंने तो सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई करें। अनीता मामी बोल रही है कि ज्वाइन करो बट मामी मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है तो आप अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको उसमें सीधा ऐड कर लूंगी। तो अभी मैं एक बार मामी को ऐड कर लेती हूँ जब तक मम्मी इसकी प्रेपरेशंस कर रही है। हेलो, हाय, ओके, आर वी लाइव? आई गेस हाँ, अभी इनका ये डिक्लाइन हो चुका है तो आप एक और बार मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको ऐड कर लूंगी। ये अभी शॉप पर ही हैं सारे एंड ये वहीं से ही हमारे साथ ये हमारे साथ वहीं से ही कनेक्ट हो रहे हैं तो जो हमने पीस निकाले वो भी हमने प्याज में डाल दिए।
हमने इसके बीज निकाले हैं वो भी हमने प्याज में। तो अभी मम्मी ने क्या क्या इसमें कर लिया है मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ। ये मम्मी ने खीरे काट लिए एंड इसके जो बीज का गुदा होता है उनको भी निकाल लिया है। एंड ऑन द अदर हैंड इसमें हम प्याज टमाटर नींबू का रस, आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो। अभी मैं धनिया की तैयारी करूंगी तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं अभी धनिया को छोड़ते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले, नमक मिर्च, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे स्पाइसी के अकॉर्डिंग। भाई इस तरह से हम इसकी अंदर की फिलिंग को तैयार कर लेंगे एंड ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चाहे तो हम जो ये सैलड के रूप में खाते हैं बस इसका वही हम सैलड रूप तैयार करेंगे और इसको एक अलग स्टाइल में हम प्रेजेंट करेंगे। हल्की फुल्की भूख लगे, बच्चों को भूख लगती है, क्या दे क्या दे, मैगी पोहे खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो अच्छी चीज भी दे दो पौष्टिक भी। अभी मैंने हरे धनिया की चटनी बना रखी है, इसे हम डाल देंगे, आधे चम्मच करीब ये डाल देंगे। ये मैंने अमचूर कैरी की बना रखी है, थोड़ी सी ये डाल देंगे। अगर ये नहीं हो तो आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। बाकी मैं जब तक इस लाइव सेशन में ऐड कर लेती हूँ, हाय बुआ क्या बन रहा है, हाय 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 गुंजन दी, हाय अनीता बुआ, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल सब बढ़िया है। और तुम पहुंच चुके हो सीधे बुटीक पे? बुटीक पे है और बुआ की रेसिपी देख रहे हैं यहीं से, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रही है, स्पेशली दैट चीज बाटी। मैं पक्का बोलने वाली हूँ मम्मी को वो खिलाने के लिए। बिल्कुल, आज हमने सोचा कि बारिश आ रही है तो क्यों ना कुछ नया स्पेशल ट्राई कर लिया जाए। बाकी तुम्हारी आवाज थोड़ी सी हमको कम आ रही है तो बहुत फोकस होके सुनना पड़ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा पास लिया हूँ, आई होप अभी माइक अच्छे से आवाज कैच कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप लोगों के व्यूअर्स है एक जुड़ते हैं, क्योंकि आवाज मुझे प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है, मुझे सुनने में बहुत ज्यादा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, नो वरीज, एक बार बोल तो दो। ठीक है, नो वरीज, आप बोल सकते हैं, काफी सारे हमारे से लोग पूछ रहे हैं कैसे चल रहा है एंड ऑल दैट, तो आप बता सकते हैं। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी आवाज सही आ रही हो, जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड मैं आपको बता दूं हम लोग AJF से हैं, हमारा भी एक खुद का फेसबुक पेज है अनीता जैन फैशंस नाम से, आप हमारा पेज चेक कर सकते हैं फेसबुक पे। उस पे हम लोग रोज लाइव आते हैं 3 से 4 और साड़ीज दिखाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमने रिसेंट में एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया हुआ है सावन की रानी, जिसके अंदर हम लोग विनर को देने वाले हैं एक लैपटॉप और जो बाकी लोग हैं सेकेंड एंड थर्ड विनर को हम लोग देने वाले हैं प्रीमियम साड़ीज हमारे स्टोर से। सो या लेडीज डू चेक आउट आवर पेज एंड आपको बहुत अच्छा एंड रीजनेबल कलेक्शन मिलता है हमारे स्टोर पे, हमारे लाइव पे। सो दिस वाज द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच गुंजन दी हमको कनेक्ट करने के लिए। ऑल्सो आज 3 बजे हमारी स्पेशल सेल होने वाली है, तो अगर आपको फायदा उठाना है तो देन डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस 3 PM ऑनवर्ड्स ऑन आवर फेसबुक पेज अनीता जैन फैशन, जुड़िएगा। एंड डेफिनेटली आई वी कैन अश्योर यू कि यहाँ की जो भी वेराइटीज हैं वो आपको एकदम अच्छी क्वालिटी की मिलेगी एंड आपको कभी भी मामा निराश नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हमारे मैंने इंस्टा पे इनके देखे हैं कमेंट्स वगैरह, एवरीबॉडी इज लाइक अ हैप्पी कस्टमर। या थैंक यू सो मच गुंजन दी, थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द रेसिपी, आई एम वॉचिंग यू गाइस। ओके बाय, ओके बाय बाय बुआ। हमारी कुकुम्बर बोट बन गई है, अब इसमें आप ऊपर से नमकीन बूंदी जो भी पसंद हो आप सजावट के लिए आप इसमें डाल सकते हो, अनार के दाने भी डाल सकते हो, ये लो। तो बिल्कुल ये हमारी कुकुम्बर बोट भी बन के तैयार हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ जस्ट फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, तो ये मम्मा फिर से ट्राई करेगी। बेसिकली इट्स अ सैलड ओनली,
इन अ न्यू प्रेजेंटेशन स्टाइल। कैसे भी मानो। या तो बस आज के इस लाइव सेशन में हमारे लिए सिर्फ इतना ही था, जिसमें हमने आपको बताई पिज्जा बाटी बनाइए खाइए एंड कुकुम्बर बोट। तो विदा लेते हैं इस अच्छे अच्छे मौसम के साथ, अच्छी अच्छी वैरायटी के साथ। आज इस लाइव सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस जनता को शेयर कीजिएगा एंड जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई करके बताइएगा बाद में कि कैसी बनी। एंड आप जो भी बाद में हमको इसके रिलेटेड आप पिक्चर्स भी भेजिएगा कि आपने कौन सी वैरायटी बनाई हमारे वीडियो चैनल से रिलेटेड एंड आपको कैसी लगी। हम उसको जरूर हमारे पेज पे शेयर करेंगे, आपके कमेंट्स को हमारे और ज्यादा फीडबैक्स जो भी आप हमको प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।